हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक यू ऑल। आज हम कक्षा 8 सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला से लेसन नंबर 3 निर्भयता पढ़ने जा रहे हैं। निर्भयता मतलब बिना डर के। तो आइए देखते हैं निर्भयता। निर्भय इसमें मूल शब्द हो गया, ता इसमें तल प्रत्यय हो गया, तो तल प्रत्यय से इसमें क्या शेष बचा, ता। जी आज हम इसमें साथ साथ प्रत्यय भी सीखेंगे। तो प्रत्यय की वीडियो मेरी वैसे डली हुई है, अगर आप लोगों ने देखनी हो तो, लेकिन फिर भी हम चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें बताएंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रत्यय इसमें कौन कौन से आएंगे? प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो क्रिया के साथ लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जैसे कत्वा, तुमुन, ल्यप। और जो शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें हम तदित प्रत्यय कहते हैं, जैसे मतुप, हिणिनी और ठक। अब मतु प्रत्यय क्या होता है? मतु प्रत्यय का अर्थ होता है वाला या वाली अर्थ में होता है, जो हमारे शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे बुद्धि जमा मतुप, बुद्धिमान, बुद्धिमत। इसका हमारा बनेगा बुद्धिमत, लेकिन पुलिंग में जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा बुद्धिमान, और स्त्रीलिंग में बनेगा बुद्धिमती, और नपुंसकलिंग में बनेगा बुद्धिमत। ओके, इसी तरह से एक और देख लेते हैं, शक्ति जमा मतुप। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जितने भी प्रत्यय हैं तदित प्रत्यय, ये शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो तदित प्रत्यय में ऐसे शक्ति जमा मतुप क्या बना? शक्तिमान, शक्तिमत। और अगर हमारा शक्तिमान बना तो ये हमारा पुलिंग में बनेगा, और शक्तिमती ये हमारा स्त्रीलिंग में बनेगा, और शक्तिमत हमारा नपुंसकलिंग में बनेगा। इसी प्रकार से ऋणिनी प्रत्यय का अर्थ भी होता है वाला या वाली अर्थ में, जैसे शक्तिमान, शक्ति वाला, बुद्धिमान, बुद्धि वाला। ऐसे ही जैसे योग जमा ऋणिनी आ गया तो क्या बना? योगिन, योगिन, यो ग पे छोटी की मात्रा, न हलन, ठीक है। तो और पुलिंग में क्या बना? योगी, बड़ी की मात्रा, और स्त्रीलिंग में योगिनी, और नपुंसकलिंग में योगी, ग पे छोटी की मात्रा हो जाएगी। ओके, ऐसे ही धन जमाणिनी, धनिन। तो आगे इसमें अगर कोई प्रत्यय ऐसा आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और एक प्रत्यय है ठक। ठक प्रत्यय में क्या शेष बचता है? इक शेष बचता है, इक। और इसमें एक स्वर की वृद्धि भी हो जाती है, जैसे दिन जमा ठक, दैनिक, इतिहास जमा ठक, ऐतिहासिक। इस तरह से आपने हिंदी में भी ये प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो आइए लेसन के साथ साथ देखते हैं, जहां पर भी प्रत्ययों का प्रयोग होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगी। उमाकांत केशव आपते एकस्मिन विद्यालय शिक्षक आसीत। उमाकांत केशव आपते एक विद्यालय में शिक्षक थे। आंग्लाः अस्माकं देशे साधिकारं विद्यमाना आसन। अंग्रेज हमारे देश में अधिकार के साथ विद्यमान थे। देखो बच्चों, मैं एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग नहीं बताती, मैं फिर बता रही हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी बनाती हूँ वीडियो ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको कोई लाइन समझ नहीं आती आप वापस देख सकते हो। फिर से देखिए, उमाकांत केशव ऑप्टे एक एक विद्यालय में शिक्षक थे। अंग्रेज हमारे देश में अधिकार के साथ विद्यमान थे। अतः विद्यालय राष्ट्रभक्त्या पाठनम तु असंभवम एव आसीत। इसीलिए विद्यालय में राष्ट्रभक्ति का पढ़ाना तो असंभव ही था। राष्ट्रभक्ति का पढ़ाना तो असंभव ही था, किंतु उमाकांत है निर्भयता छात्रान स्वदेश से स्थितिम बोधित्वा स्वछात्रेषु राष्ट्रभक्तिम जनितुम यत्ते स्म। परंतु उमाकांत निडरता के साथ, यानी कि बिना डर के, छात्रों को अपने देश की स्थिति समझाकर अपने छात्रों में राष्ट्रभक्ति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे थे। देखो बच्चों, ये जो आया यत्ते स्म, यतते स्मा का मतलब है कि लंग लकार, ठीक है। जहाँ पर भी स्मा लग जाए वहाँ पर, यानी कि लंग लकार का प्रयोग हुआ है। जैसे आपश्यत, हमने लिखा पश्यति स्मा, लेकिन पश्यति स्मा को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आपश्यत, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं? आयतत। ओके, उमाकांतस्य आत्मीय व्यवहार भिन्न शिक्षण विधिश छात्रेषु लोकप्रिय जायमान आसीत। उमाकांत का आत्मीय व्यवहार
भिन्न शिक्षण यानी कि उनकी जो पढ़ाने की पद्धति थी वो विभिन्न थी, यानी कि विभिन्न सॉरी अलग थी। एक अलग शिक्षण और विधि छात्रों में लोकप्रिय हो गई थी। फिर से देख लेते हैं एक बारी। उमाकांत का आत्मीय व्यवहार अलग शिक्षण और अलग शिक्षण विधि छात्रों में लोकप्रिय हो गई थी। उमाकांतस्य सहशिक्षकः उमाकांताय ईर्ष्यन्ति स्म। उमाकांत के जो साथ के शिक्षक थे यानी कि जो कलीग्स थे, उमाकांत के साथ के शिक्षक उमाकांत से ईर्ष्या करते थे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आया उमाकांत से, अब यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, पंचमी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया, ईर्ष धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और ईर्ष्यन्ति स्म यानी कि ईर्ष्या करते थे। जहाँ पर लट लकार के साथ स्म आ जाए वो लंग लकार में बन जाता है। ते सर्वे प्रधानाध्यापकम् उमाकांतस्य राष्ट्रभक्त्या पाठन विषय आसूचयन। उन सभी ने प्रधानाध्यापक को यानी कि प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को उमाकांत की राष्ट्रभक्ति का पढ़ाने के विषय में सूचना दी। प्रधानाध्यापक है उमाकांतम आहुय आदिशत यत पाठ्यक्रमे यत उल्लिखितम वर्तते तदेव पठनीयम न तो अन्यत किमपि। अब प्रधानाध्यापक ने उमाकांत को बुलाकर आहुय में कौन सा प्रत्यय आ गया, लेप प्रत्यय आ गया आ उपसर्ग से, जहाँ पर उपसर्ग आएगा वहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। आदेश दिया कि पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में जो कुछ भी लिखा हुआ है वर्तते, अस्ति का पर्यायवाची है ये, वर्त धातु से वर्तते है, जो कुछ भी लिखा हुआ है तदेव पाठनीयम ना तो अन्यत किमपि, वही पढ़ाना चाहिए दूसरा कुछ नहीं। उमाकांत है आत्मविश्वासेन अकथयत। उमाकांत ने अपने आत्मविश्वास से यानी कि विश्वास अपना दृढ़ संकल्प से यानी कि अपने विश्वास को कठोर सदृढ़ करके कहा यत शिक्षायाः उद्देश्यम एव छात्राणां व्यक्तित्वस्य सर्वांगीण विकासः वर्तते, कि शिक्षा का उद्देश्य ही छात्रों के व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास है। तद अर्थम जीवनस्य उसके जीवन के लिए समाजस्य राष्ट्रस्य च समाज और राष्ट्र का वास्तविक ज्ञानम तेभ्य समाज और राष्ट्र का वास्तविक ज्ञान उनके लिए अनिवार्यतः दातव्यम उनके लिए जो अनिवार्य है दिया जाना चाहिए। तथ्यानां स्मरणम शिक्षा नास्ति, तथ्यों को याद करना शिक्षा नहीं है। उमाकांतस्य उत्तरम श्रुत्वा प्रधानाध्यापक निरुत्तर है जाता है। उमाकांत के उत्तर को सुनकर प्रधानाध्यापक निरुत्तर हो गए यानी कि वे भी उत्तर नहीं दे पाए। उमाकांतेन स्वस्य शिक्षण विधौ किमपि परिवर्तनम न कृतम् अपितु स इतोपि अधिकेन उत्साहेन स्वकार्ये संलग्न जाता है। उमाकांत ने अपनी शिक्षण विधि में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। यहाँ पे ये जो शिक्षण विधव है ना, ये बच्चे क्या करते हैं, इसमें द्वितीय विभक्ति लिख देते हैं, द्विवचन लिख देते हैं, प्रथमा द्विवचन, तो ये गलत है, ये सप्तमी एक वचन है। शिक्षण विधव विधि जो है ये हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। शिक्षण विधि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। कृतम इसमें कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय, क्री धातु से, क्री जमा कत क्या बना, कृत है, लेकिन ये कृतम से क्या बन गया, नपुसकलिंग बन गया, वैसे ये कृत है बना लेकिन कृतम लग के ये नपुसकलिंग हो गया, ठीक है। अपितु से इतोपि अधिकेन उत्साहेन स्वकार्य संलग्न जाता है, इससे भी अधिक उत्साह से अपने कार्य में लग गए। 1924 ईस्वी से 1 अगस्त दिनांके स्वस्य कक्षायां लोकमान्य तिलकस्य पुण्यतिथे अवसरे कार्यक्रम आयोजितवान। 1 अगस्त 1924 को अपनी कक्षा में लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि यानी कि जिसे हम जयंती कहते हैं, कि जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थी भी उत्साहेन काव्य पाठ है, गीता पाठ है, भाषाणा नीचे कृतानि, उत्साह से विद्यार्थियों ने भी उत्साह से काव्य पाठ, गीता पाठ और भाषण प्रस्तुत किए।
ईर्ष्या ईर्ष्या सह शिक्षकै आंग्लाधिकारिणे उमाकांतस्य कार्यक्रम विषये सूचना प्रेषिता। ईर्ष्या से उनके जो शिक्षक थे यानी कि उनके साथ जो शिक्षक थे, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, सह शिक्षकै ईर्ष्या से, सह से पहले भी हमारी क्या आ रही है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कारक विभक्ति में आप पढ़ते ही होंगे कि कारक सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उपपद विभक्ति है। ईर्ष्या के साथ शिक्षकों के द्वारा अंग्रेज अधिकारी को उमाकांत के कार्यक्रम के विषय में सूचना भेजी गई। शिक्षा विभागात प्रधानाध्यापकस्य समीपम एतादृशान गतिविधीन रोद्धुम आदेश आगत है। प्रधानाध्यापक कहाँ पे गया, शिक्षा विभाग से प्रधानाध्यापक के पास ऐसी गतिविधियों को रोकने का आदेश आ गया। आगत है, देखो ध्यान देना बच्चे, आगत है मतलब उपसर्ग आ गया, गम धातु हो गई और कत प्रत्यय हो गया, तो क्या बना, आगत है, यानी कि ऐसा आदेश आ गया। भयभीत है प्रधानाध्यापक है उमाकांतम आहु है तिलकस्य पुण्यतिथे आयोजन विषय तम अतर्जत। भयभीत प्रधानाध्यापक ने उमाकांत को बुलाकर तिलक की पुण्यतिथि का आयोजन के विषय में उनको मना कर दिया, यानी कि उनकी जयंती मनाने का जो आयोजन किया गया था वो उन्होंने मना कर दिया। निर्भेन उमाकांतेन उक्तम यत, निडर उमाकांत ने कहा कि भारतस्य यस्मिन् विद्यालये भारत भक्तानां नामानि समर्तुं न शक्यन्ते, कि भारत के जिस विद्यालय में भारत के भक्तों के नाम याद नहीं किए जा सकते, तस्मिन् विद्यालये अहम् स्वयं पाठितुं न इच्छामि, उस विद्यालय में मैं स्वयं भी पढ़ाना नहीं चाहता। एतद् उक्त्वा उमाकांतः स्वस्य त्यागपत्रम्, ऐसा कहकर उक्त्वा में क्या हो गया, वच धातु हो गई और कत्वा प्रत्यय हो गया, वच से क्या बना, उक्त्वा, वह जो है वो हमारा ऊ में परिवर्तित हो जाता है, तो वच जमा उक्त्वा उक्त्वा, ऐसा कहकर उमाकांत ने अपना त्याग पत्र, स्वस्य त्याग पत्रम, अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर, उत्पीठिकायां मेज पर उपस्थाप्य रख कर वेगेन विद्यालयात बहिर्निर्गत, तेजी से विद्यालय से बाहर निकल गए। निर्गत, निर्गत में कौन सा है, निरुपसर्ग हो गया, गम धातु हो गई और कत प्रत्यय हो गया, निर्गत है। ठीक है, यहाँ पे कत प्रत्यय आ गया जो कि हमारा पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। विद्यालयात बही से पहले पंचमी विभक्ति का प्रयोग। उपस्थाप्य, उप उपसर्ग आ गया, स्था धातु हो गई, ल्यप प्रत्यय हो गया, उपस्थाप्य रख कर तेजी से विद्यालय से बाहर निकल गए। इमं शिक्षकम् अद्य वयम् बाबा साहेब आप्टे इति नामना जानीमः, इस शिक्षक को आज भी हम सब बाबा साहेब आप्टे के नाम से जानते हैं। येन स्वजीवेन पाठितम् यत शिक्षकः सर्वदा निर्भयः स्युः इति, जिसके अपने जीवन से पढ़ाते हुए कहा कि शिक्षकों को या अध्यापकों को हमेशा निर्भय होना चाहिए। फिर से देख लो एक बारी, इस शिक्षक को आज हम सब बाबा साहेब आप्टे के नाम से जानते हैं, जिसने अपने जीवन से पढ़ाया कि शिक्षक हमेशा निर्भय होने चाहिए, यानी कि जो हम अध्यापक वगैरह हमें हमेशा निर्भय होकर बिना डर के काम करना चाहिए। मूल्य क्या हुआ, इसका मॉरल एजुकेशन क्या हुआ, कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति है यानी कि जिसका यश है, सजीवति वही जीवित है, आज उसी का सम्मान है जिसका यश है। ओके, आइए एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। साधिकारम अधिकार सहित, निर्भयता डर रहित, ईर्ष्यन्ति ईर्ष्या करते हैं, पाठ्यक्रम में, तदर्थम उसके लिए, सह शिक्षकै साथ के शिक्षकों के द्वारा, उपस्थाप्य रखकर, निर्गत निकल गए, आंग्लाह अंग्रेज, यतते स्म प्रयत्न करते थे, जात है हो गया, रोद्धुम रोकने के लिए, यहाँ पे तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है रुद्ध धातु के साथ, रुद्ध जमा तुमन रोद्धुम रोद्धुम, जहाँ पे भी ऊ आ जाएगा वहाँ पे ओ में परिवर्तित हो जाएगा तुमन प्रत्यय में, जैसे लिख जमा तुमन लेखी तुम, ई जो है ए में परिवर्तित हो जाएगी और ऊ
ओ में परिवर्तित हो जाएगा। पाठी तुम पढ़ाने के लिए, जानी मैं हम सब जानते हैं, सीयू होने चाहिए। स्वदेश से अपने देश का विधि तरीका आहू है बुलाकर सर्वांगीण सभी तरह श्रुत्वा सुनकर। इसमें कौन सी धातु है? श्रु धातु, श्रु प्लस कत्व प्रत्यय से श्रुत्वा। आतर्जित मना किया, विगेन तेज गति से सर्वदा हमेशा, बोधित्वा समझाकर, यत की प्रेषिता भेजी गई, उक्तम कहा गया। इसमें वच धातु से कत प्रत्यय है जो कि नपुसक लिंग में बना उक्तम। उत्पीठिकायाम मेज पर, बही बाहर, कीर्ति यश। तो बच्चों ये आपका लेसन नंबर 3 पढ़ा दिया आज मैंने, और जल्दी ही मैं इसकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय।